हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कूमा एक्सपोर्ट के बारे में। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि भाई स्कूमा एक्सपोर्ट में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए शेयर्स में भयंकर तरीके से गिरावट आई है। बीच में थोड़ी बहुत तेज़ी आई भी थी, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट का माहौल जारी है। देखिए, जब से इन्होंने बुरे नतीजे रिपोर्ट किए हैं तब से यह शेयर गिरता हुआ नीचे आ चुका है। मतलब एक ही महीने में आधा हो चुका है यह शेयर, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर स्कूमा एक्सपोर्ट में क्या करना चाहिए और आने वाले दिनों में इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और तो और, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वहां से वो आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्कूमा एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए 17 रुपए के आसपास ये शर्ट एनएससी में ट्रेड कर रहा है, 16 रुपए 70 पैसे के आसपास बीएससी में ट्रेड कर रहा है। आज एनएससी में गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट जितने पर खुला था उतने पर ही क्लोज हुआ है, जबकि बीएससी में 2% तक ये स्टॉक गिर चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते यहाँ से आप देखिए कि 21 रुपए के करीब ये शेयर पहुंचा था, उसके बाद कंटिन्यूअस नीचे ही नीचे गिर रहा, कंटिन्यूअस शेयर नीचे गिरा है। ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि पिछले 28 तारीख से ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, पिछले 2-3 सर्किट से ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में आप चार्ट देख सकते हैं कि गिरता हुआ नीचे आया है, 31 रुपए से गिरता हुआ नीचे आया है। 31 मई को 31 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं ये गिरावट जो है वो कंटिन्यूअस बनी हुई है। हालांकि बीच में 21 जून को ये 16 रुपये करीब ट्रेड कर रहा था और बढ़िया बाउंस बैक किया, 20 रुपये के आसपास पहुंचा, कंटिन्यूअस दो बड़ी अपर सर्किट डिस्टेंस जरूर लगाई, लेकिन उसके बाद ये उसको मेंटेन नहीं कर पाया, ना ही ऊपर ले जा पाया, वापस से ये शेयर गिर गया और गिर ही रहा है, ये गिर ही रहा है। उसके बाद कंटिन्यूस ये शेयर गिर रहा है। पिछले 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में आप देखेंगे कि ये शेयर ऑलमोस्ट 34 रुपीज से करीब पहुंच चुका था, 34.80 रुपीज से करीब का पहुंचा, और 27 मई को ये शेयर ने ये इतने ऊपर पहुंचा था। उसके बाद 6 महीने की बात करें तो 6 महीने भी शेयर्स में गिरावट है। देखिए 41 रुपीज तक का ये इसने हाई बनाया रहा था, अब बनाया हुआ था, उसके बाद गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, और फिर यहां से जो गिरावट 27 मई से वो कंटिन्यूअस गिरावट है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में आप देख सकते हैं कि ज्यादा महंगा नहीं था, ऑलमोस्ट 17 रुपए के करीब भी ट्रेड कर चुका है ये शेयर। 2 साल की हम बात करें तब यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 साल पहले ये 8 रुपए के करीब ट्रेड करता था। तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है। और आप देखिए कि ऐसा नहीं कि इसमें गिरावट पहले नहीं आई, पहले भी ऐसी बड़ी गिरावट इसमें आ चुकी है, लेकिन वापस से इसने बाउंस बैक जरूर किया है, वापस से इसने बाउंस बैक भी जरूर किया है। अगर मैं आपको 5 साल का भी दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको अच्छे समझ में आ गया, देखिए 2 रुपए के करीब इस शेयर की वैल्यू थी, तेजी भी आती थी, गिरावट भी आई है, लेकिन इसने पैसा बनाकर जरूर दिया है, लंबे वक्त में इसने पैसा बनाकर जरूर दिया है। स्कूमा एक्सपोर्ट की बात को देखिए, मनी कंट्रोल में अगर मैं जा रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहां पर 100% बाइंग रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है, 100% लोग इसमें खरीदारी करने के लिए बोल रहे हैं, 100% बाइंग रिकमेंडेशन है। यहां पर अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो देखिए इस बार की जो गिरावट है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं उसमें इतने अच्छे नहीं नतीजे आए थे, इसलिए इसमें इतनी बड़ी गिरावट है, और बाकी का काम पैनिक ने कर दिया। तो देखिए मार्केट में पैनिक फैल रहा है इस शेयर को लेकर, और मुझे लग रहा है कि शायद कहीं हद तक अब और ज्यादा पैनिक, मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा पैनिक इसमें आ सकता है, या और फर्दर गिरावट, कोई बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगता कि इसमें आ सकती। हो सकता है कि शेयर अभी भी 5-6% तक डाउन हो सकता है, लेकिन उससे कई ज्यादा नीचे मुझे नहीं लगता कि शेयर जा सकता है। देखिए नेट सेल्स की बात करेंगे तो देखिए 420 करोड़ के आसपास का नेट सेल रहा है, जबकि उसके प्रीवियस 3 क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो 500 550 करोड़ का नेट सेल देखने को मिला है। जून 2018 में ऑलमोस्ट 545 करोड़ का नेट
नेट सेल रहा सितंबर 2018 में 522 करोड़ का रहा, दिसंबर 2018 में 550 करोड़ के आसपास का रहा। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो देखिए, नेट प्रॉफिट 6.5 करोड़ से भी कम का नेट प्रॉफिट इन्होंने मार्च क्वार्टर में बुक किया है, जबकि दिसंबर में बात करेंगे तो 11.5 करोड़ का था, सितंबर की बात करेंगे तो 11 करोड़ के आसपास का था, जून की बात करेंगे तो हालांकि 7 करोड़ के आसपास का था। लेकिन फिर भी आप यहां पर देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट में जो गिरावट आई है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं शेयर पर देखने को मिल रहा है, उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से काफी ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करे जा रहे हैं और पैनिक में आकर लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं। टोटल कर्जे की बात करें देखिए, तो कर्जा इनके ऊपर 25 करोड़ के आसपास का है, बहुत कम कर्जा मैं इसको मानता हूं, क्योंकि 230 करोड़ के करीब के इनके पास टोटल असेट्स पड़े हुए हैं। और इनके नेट सेल अब 500 करोड़ का एवरेज मान के चले कि 500 करोड़ के एवरेज का इनका नेट सेल्स है, और नेट प्रॉफिट भी कम से कम इनका 7-8 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। तो ये जो कर्जा है 25 करोड़ का, उसको हम आसानी से निगलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई उतना बड़ा कर्जा मैं इसको नहीं मानता हूँ। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखिए, शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स के पास कि प्रमोटर्स की अब होल्डिंग देखिए, पिछले काफी वक्त से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग गिराई नहीं है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं गिराई है, चाहे वो सितंबर 2018 हो, दिसंबर 2018 हो या फिर मार्च 2019 हो, प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट देखने को मिल रही है, प्रमोटर्स की इसमें कांस्टेंट होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात जरूर। हालांकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, लेकिन एफआईएस इसमें इन्वेस्टेड है, एफआईएस ने भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी इसमें खरीदी हुई है। तो ओवरऑल स्कूमा एक्सपोर्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आप लंबी दूरी के प्लेयर हैं, अगर आप लंबी दूरी के प्लेयर हैं, कम से कम आप इसमें 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट सोच के चल रहे हैं, तो स्कूमा एक्सपोर्ट हाल फिलहाल में इस प्राइस में आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि स्कूमा एक्सपोर्ट में तेजी डेफिनेटली जब नेक्स्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर के नतीजे जब आएंगे, तब स्कूमा एक्सपोर्ट में तेजी आपको देखने को मिलेंगी। जून क्वार्टर के नतीजे आने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी, हल्की सी तेजी देखने को मिलेगी, और शायद उसके नेक्स्ट क्वार्टर के बाद आपको एक और बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो स्कूमा एक्सपोर्ट में अगर आप लंबी दूरी का निवेश समझ के चल रहे हैं तो ही इसमें खरीदारी करें। हो सकता है कि शायद आने वाले वारे दिन में 5-6% और ज्यादा फर्दर गिरावट देखने को मिले, लेकिन डरना मना है, ये स्टॉक में बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक्स है, बेटर है कि आप अगर खरीदा है तो होल्ड करें, नहीं खरीदा है और अगर आप लंबी दूरी का सोच के चल रहे हैं तो ही आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो इसी साथ इस वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।